पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉनवेज वगैरह खाते थे वो वेजिटेबल हो गए, मतलब जो मांसाहार का सेवन करते थे, कभी कभी मदिरा का भी सेवन करते थे, वो सब ध्यान करने की वजह से छूट गई। नमस्कार मित्रों, मैं खुश राम साहू छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से। पीएमसी हिंदी में मेरे आने का जो मिशन है वो 2 साल पहले शुरुआत हुई, जब पत्री सर जुलाई 2021 में बिलासपुर आए हुए थे। उस समय मेरे मित्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि ब्रह्म ऋषि आ रहे हैं और उनके माध्यम से हमें ध्यान कराया जाएगा। पहले ध्यान का जानकारी नहीं था, फिर उनके कहने पर हम चले गए और जाने के बाद वहाँ जा कर के हमें ध्यान कराया गया पितामह के माध्यम से, जो लगभग आधा घंटा तक चला। उस समय तक तो ऐसा लगा कि ऐसे ही हम जा रहे हैं, बैठेंगे मिलेंगे अन्य बाबाओं की तरह, पर वहाँ जाने के बाद जब ध्यान किए तो समझ में आया कि ये ध्यान है, आनापान सती ध्यान जिसका नाम दिया गया। वहाँ पर से जैसे ही हम आए उसके दूसरे ही दिन मैंने शुरू किया। उस समय मैं दूसरी जगह रतनपुर नामक स्थान पर किराए पर रहता था। जब वहाँ से मैं ध्यान करके आया तब मैंने घर पे भी चर्चा किया बताया और दूसरे दिन हमने ध्यान शुरुआत की। जब ध्यान की शुरुआत हुई मैंने 1 महीने में जो नॉनवेज वगैरह खाते थे वो वेजिटेबल हो गए, मतलब जो मांसाहार का सेवन करते थे, कभी कभी मदिरा का भी सेवन करते थे, वो सब ध्यान करने की वजह से छूट गई। तो ध्यान में से मुझे लाभ मिलने लगा, तो कंटिन्यू मैं करते करते आज 2 साल हो गए। इसी के साथ साथ मेरे परिवार भी ध्यान में आ गए और ध्यान में आने के से सबको लाभ मिला है, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सभी में धीरे धीरे करके उन्नति होते गया और हम आज प्रगति पर हैं। उस समय जिस समय हम ध्यान पर नहीं आए थे उस समय आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में हम आगे बढ़ते गए सारे चीज़ों में हमें सुविधाएं मिलती गई, हमें लाभ मिलता गया और धीरे धीरे उन्नति करते गए। उस समय यहाँ तक कि हम कहीं जाने के लिए हमें मेरे पास एक तरह से कुछ रकम जो आने जाने का जो खर्चा है वो भी नहीं था मेरे पास। फिर ध्यान में आने के बाद में ये धीरे धीरे सेटलमेंट होते गया, लोग मिलते गए और आज उसी समय के बाद में देखे तो हम वहाँ बिलासपुर के बाद में हम ऋषिकेश जा पाए, ऋषिकेश के बाद में फिर करताल भी आ पाए। तो ये सब धीरे धीरे करके होते गया, ये ब्रह्म ऋषि पितामह की ऊर्जा थी और हम सबके जो ध्यान जो करते गए उसके लाभ हमें मिलता गया। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हर कोई ध्यान करे और ध्यान ही सब कुछ है। जो हम बाहर देखते हैं, जो बाहर हम विचार करते हैं, ये सब हमारे अंदर से ही आया हुआ है, ये हमें जब ध्यान में आए तब हमें मालूम हुआ। तो हर किसी को ये ध्यान करना चाहिए, हर एक के जीवन में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान हमें हमारा बढ़ता है और ध्यान जब हम करते हैं तो सभी तरह के हमारी जो भी आवश्यकता है वो धीरे धीरे करके पूरा होते जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप आनापान सती ध्यान, और इतना सरल है, इतना सहज है कि हम हर समय उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं, उसी को बस ध्यान करना है और कुछ नहीं, बस उसी को अपने को ध्यान देना है। हमारी आती हुई और जाती हुई सांसों को ध्यान देना ही ध्यान है और ये एक दिन पे नहीं होगा, धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे, हम लगातार रोज़ हम इस पर ध्यान देते जाएंगे तो वो हमारा पूरा होते जाएगा। और यही हमारी हर एक गुरु ने हमें ये सिखाया है कि हमारी सांस ही सर्वोपरि है, हमारी सांस ही हमारे गुरु है, वहीं शुरू से लेकर के जब हम जन्म लेते हैं और अंतिम क्षण तक वही हमारे साथ रहता है। बाकी सारे चीज़ तो धीरे धीरे करके छूटते जाता है, पर वो हमारे जब छूटता है तो ये शरीर से भी हम
बाहर हो जाते हैं। तो ये हमें जानने को ध्यान के माध्यम से ही मिला। तो आप सभी से पुनः अनुरोध है कि ध्यान ही से शुरुआत कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पीएमसी, थैंक यू पीएमसी हिंदी।